नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि शुक्र ग्रह शादी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। जो भी जातक और जातिका के लिए शुक्र ग्रह का अच्छी स्थिति होना उसके भावी जीवन के लिए सफल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह जो बारहवें भाव में होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, तो उसका किस तरह से फल हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो हम बताएंगे शुक्र ग्रह है क्या। शुक्र ग्रह जो है ये जो वृषभ राशि और जो तुला राशि उसका स्वामी होता है वो शुक्र है। इसके साथ साथ में ये शुक्र का जो काम है, जो कर्तव्य है, वासनाएं जो है शुक्र के कारण आती है, आदमी उसमें आसक्त रहता है। इसलिए शुक्र जो है अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, भौतिक सुख अच्छा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इसका जो कारक है यह है भौतिक सुख, काम, स्वास्थ्य, संगीत, आभूषण, वाहन, वैभव आदि के आने जो भी सांसारिक सुख है, ये चौथे भाव का भी कारक होने के कारण वो जो भी है आपको वाहन सुख आदि का सुख भी अच्छा देता है। तो इस तरह से शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी कुंडली में होगी तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं बारहवें भाव में बैठे हुए शुक्र की स्थिति के बारे में। तो ज्योतिष में जो बारहवें भाव के बारे में बताया गया कि वहाँ पे बैठे हुए ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, परंतु यहाँ एक शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो यहाँ पे अच्छा फल देता है। यहाँ जो अगर जैसा यहाँ देख रहे हो आप कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र बारहवें भाव में उच्च का हो, सौ राशि का मतलब दो नंबर या सात नंबर का हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो वो उसको हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा फल देने के लिए बोलेंगे। उसका बल भी अच्छा होना चाहिए, षडबल भी अच्छा हो, तो उसको शुक्र को बलवान कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्र यहाँ पे बारहवें भाव में बैठा है, तो बारहवें भाव के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं मानता दूसरे ग्रहों को, परंतु शुक्र का बारहवें भाव में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ शुक्र आपको अच्छा फल देता है, आपको विवाह के बाद में जो आपका भाग्योदय भी कराता है, इसके पास में जो है संपत्ति है, वाहन है, समृद्धि है, वैभव है और ऐश्वर्य और भोग का कारक माना गया है। तो इस तरह की सब सुख सुविधाएं भौतिक जो है वो सब मिलेगी आपको, क्योंकि बारह भाव में आपका शुक्र है। तो इसमें बारह भाव के सुख के कारण ये अगर बलवान है, जैसा कि बलवान स्थिति हमने बताई है, अगर वैसा है तो आपको महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, ये सब आपको प्राप्त होगी। और आपका जो भाग्योदय है भी व्यक्ति के जो रहता है बारह भाव में शुक्र भाग्योदय भी अच्छा कराता है, विवाह के बाद में अच्छा भाग्योदय कराता है। तो इस तरह से आप शुक्र के अच्छे फल के बारे में जान सकते हैं। अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है तो शुभ स्थिति में है, उसमें जैसे यहाँ शनि का प्रभाव है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका राहु, शनि, मंगल आदि का प्रभाव नहीं हो, शुक्र अकेला हो और वो सौ राशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा और इस कारण से आपको अच्छे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो जो भी जातक देख रहे हैं कि बारह भाव में अगर शुक्र है तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके आप टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, लाइक की, मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।